कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे पर अपना करम करते हैं, जब किसी शख्स पर अपने रहम का दरवाजा खोलते हैं, तो वो अगर कोई साहिबे नस्बत नहीं भी है तो उसे भी अता कर देते हैं। ये और बात है, निस्बत वालों को निस्बत की वजह से जल्द मिल जाता है, लेकिन तालुकात होता ये है कि जो साहिब निस्बत नहीं है लेकिन वो उन मकामात और दर्जात पर जल्द पहुंच जाता है मेहनत के साथ, लगन के साथ, जहां पर कोई साहिब निस्बत नहीं पहुंच सकता। सहाबे कराम की जमात को देखें, अरब के गुरबा थे, मसाकीन थे, और जो शुरू में ईमान लाने वाले अक्सर ऐसे मर्द और खवातीन थी जो गुलाम थे, बांदियां थी, किसी के मातहत थे, खुद से किसी काम में नहीं जा सकते थे। ये वो लोग थे कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और अल्लाह ताला ने इन्हें वो मकाम अता फरमा दिया, वो मकाम अता फरमा दिया। मैंने पहले भी आपके सामने अर्ज किया था, कोई शख्स अगर 100 साल तक बैठकर अल्लाह का सिर्फ जिक्र करता रहे, अल्लाह की याद में डूबा रहे, 100 साल तक अल्लाह का जिक्र, अल्लाह 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 का विर्द करता रहे, और एक शख्स ईमान की हालत में एक लम्हे के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ले, वो उन 100 सालों की इबादत पे भारी हो जाएगी। सहाबे कराम की जमात जिन्हें बार बार कुरान मजीद के अंदर उलाइकुम मुफ्लिहून, उलाइकुम राशिदून, उलाइकुम सादिकून, ऐसे तंबुओं से नवाजा गया। और सबसे अहम बात, इन सहाबे कराम की जमात पर हमारा ईमान लाना जरूरी है, हर मुसलमान के लिए इंतहाई जरूरी है। फिर जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो अंबिया कराम के बाद सबसे अफजल तरीन शख्सियत, अगर अफजलियत का भी इनकार कर दे तो दार इस्लाम से खारिज हो जाए। सहाबियत का नहीं, अफजलियत का सिर्फ इनकार कर दे, दार इस्लाम से खारिज हो जाए। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु तो हुजूर के उस वक्त के साथी हैं कि जब जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर करनी शुरू की, कुर्बानियां दी, घर छोड़ा, बच्चे छोड़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर, और जब पूरी कायनात हुजूर का इनकार कर रही थी, हुजूर के खिलाफ खड़ी थी, तब फैज सिद्दीक अकबर था जो हुजूर का बाजूबान के साथ खड़ा हुआ था। एक मर्तबा मुशरिकीन मक्का ने जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म किया और मारा और पीटा और इतना मारा कि गिर गए जमीन पर और बेहोश हो गए और चेहरे से खून बहने लगा। खवातीन और मर्द उठाकर घर में ले गए और लोगों ने यह समझ लिया कि अब सिद्दीक अकबर नहीं बचेंगे, अब इनका आखिरी वक्त आ पहुंचा। ये कैफियत हो गई थी, देखने वाले को यकीन नहीं हो रहा था कि यह बच पाएंगे, इतना जुल्म किया था मुशरिकीन मक्का ने कि अचानक शाम हो गई कि देखा कि जनाब सिद्दीक अकबर बेहोशी से होश की हालत में आ गए, और होश में आते ही सबसे पहले जो जुबान पे जुमरा था वो ये था कि मुझे बताओ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत कैसी है। अपनी फिक्र भी नहीं थी,
उम्मे जमील उम्मुल खैर को कहा कि आप मुझे पकड़ो, मुझे बारगाह की रिसालत में ले जाओ। उम्मे जमील ने दाएं से पकड़ा और उम्मुल खैर ने बाएं से पकड़ा और पकड़ के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले गए, बारगाह नबूवत में ले गई। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तो कहा अब मुझे शिफा मिल गई।